के मेरा मंदिर अपवित्र किया है। महाराज जी पकड़ो इसे, बाहर निकल जाओ, जो इसे। महाराज जी, अरे महाराज जी, दिल्ली में प्रसाद, प्लीज महाराज जी, प्लीज महाराज जी, महाराज, खबरदार खबरदार, महाराज दिल्ली में प्रसाद। 400 कितनी ठंड लग रही होगी, लेकिन हम बाहर जाके उसे शॉल भी तो नहीं उड़ा सकते ना। हम उड़ा सकते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग हमेशा जाते थे। आपको पता है ना सागर की तबीयत के बारे में, वो दोनों रो रो कर आपसे कहते रहे कि एक रात के लिए उस पपी को घर पे रख लीजिए, पर आपने एक नहीं सुनी। अगर मेरे सागर को कुछ हुआ ना मुझे, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जली प्रसाद, आस पास सारी जगह देख लिया हमने, जली प्रसाद को कहीं नहीं मिला वो। आखिर तुम्हें ठंड लग रही है का? शॉल देखा? लो, शॉल ले। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लड़का हूँ मैं। तू लड़की है, तू और शॉल। चल जली प्रसाद को ढूंढना है कि नहीं तुझे? पर जलेबी बरसात कहीं नहीं मिला है सागर। टेंशन क्यों लेती है तू गंगा, मैं हूं ना तेरे साथ, मिल जाएगा वो। चल उस तरफ देखते हैं। जलेबी बरसात, जलेबी बरसात, जलेबी बरसात, जलेबी बरसात, जलेबी बरसात, जलेबी बरसात। जलेबी बरसात, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हें कुछ हो गया तो? सागर अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम घर जा सकते हो, हम अकेले जली प्रसाद को ढूंढ लेंगे। सच्ची? नहीं मुझे कुछ नहीं है। चल जली प्रसाद को ढूंढते। ये आदमी ना बहुत बड़ा बेशरम है सच में। क्या हुआ प्रभा, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम फोन नहीं उठा रही हो, कोई परेशान तो नहीं कर रहा तुमको? प्रिंस के पापा, मैं ना एक बहुत बड़े मैं तो सुबह से परेशान हूँ, पता है रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग नंबर आते जा रहे हैं, और सुबह कोई वक्त होता है किसी को फोन करने का? सुबह तो वक्त होता है अपने पति का, अपने बच्चे का, अपने पति के लिए बहुत अच्छा टिफिन, टिफिन भी पैक हो गया। एक सेकंड, टिफिन बना के देने का, ये लीजिए आपका टिफिन रेडी। ये देगा, ये आप सैंडविच खाइए, मैं आपके लिए ना अदरक वाली चाय अभी बना कर लाती हूँ। सूरज पता नहीं किस दिशा से निकला, बाहर जाके सबसे पहले यही देखना पड़ेगा। मम्मी क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है क्या? मतलब आजकल आप हर काम एकदम अच्छे ढंग से और मन लगा के कर रही हैं, और अच्छे ढंग से काम वही करते हैं जिन्हें कुछ चाहिए होता है या उनसे कुछ गलती हो जाती है। ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। मैं ऐसा करता था, अभी नहीं करता, अभी तो मम्मी कर रही है। क्योंकि मैं तेरे जैसे नहीं हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम प्रभा, तुम इसके जैसी नहीं हो बल्कि ये तुम्हारे जैसा है, तभी आजकल मुझे इसकी बातों पर जरा जरा विश्वास होने लगा है। ठीक है तो करो इस पे विश्वास, किसने रोका है? मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये राम जी भाई ना जब तक मेरी जान नहीं ले लेंगे ना फोन करते ही रहेंगे, अब देखते कैसे फोन करते हैं। चलो ना, चले भी बरसाती है वो, हमने आवाज से पहचान लिया उसे, चलो ना। सागर देखो आवाज यहीं से ही आ रही है, चलो ना जल्दी, सुनाई दिया ना तुम्हें, चलो अब चलो। तुमने एकदम सही कहा था, जल्दी भी बरसात मिल जाएगा,
जल्दी। अभी तक नहीं आए बच्चे, जाने कहां गए। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं अम्मा जी? अरे बच्चे हैं, यहीं पास में कहीं गए होंगे, खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। आप लोग चलिए, आइए अंदर आराम कर लीजिए, आइए। तू भी ना नीरू, अंदर चले। कैसे अंदर चले, जाड़ा शुरू हो गया है, बच्चे ने स्वेटर भी नहीं पहना, कहां होगा। माधुरी, अम्मा जी तो मेरी बात सुनने वाली है नहीं, तुम तो समझती हो ना। चलो अंदर चलो, आओ। नहीं, मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक सागर वापस नहीं आता। पता है ना आपको डॉक्टर ने क्या कहा है, हमें उसे सर्दी से बचाना है। इतनी सर्दी में पता नहीं कहां भटक रहा है, कहीं उसे कुछ। अरे कुछ नहीं होगा माधवी, हम ऐसा क्यों सोचे कि उसे कुछ हो गया तो। अरे बहू, बेटा तुम यहाँ हो, चाय वाय पिलाने का इरादा है कि नहीं? हाँ क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ हेमा संतोष, मेरे घर में बहुत असंतोष फैल गया है। मैं जानती हूँ जो आपके भक्त होते हैं आप उनकी मदद करती, मेरे घर में भी संतोष बनाए रखी। संतोषी माँ आपकी जय हो। चल यार स्कूल छोड़ना तेरे को। ये ले, चल ये ले। चलो प्रभा, बाय बाय। ओके बाय 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 मम्मी। अच्छा चले गए, अब 5-6 घंटे आराम। ये ना जरूर प्रिंस के पापा ही होंगे, हमेशा कुछ ना तो कुछ भूल जाते हैं, तो परेशान हो चुकी हूँ उनसे। ये तो कोई पुरानी इमारत है सागर। क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना सागर? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये धूल की वजह से खांसी आ रही मुझे। चल चलिए बरसात को ढूंढना। चल बेटा यश, तेरा स्कूल आ गया, आराम से यार। सुन, तूने अपना बैग चेक कर लिया था ना, सारी सब्जेक्ट की बुक पेन पेंसिल सब रख लिया था ना, कुछ भूल तो नहीं गया? पापा भूलने की मारी मुझे नहीं आपको है, आप अपना बैग चेक कर लो वरना ऑफिस आके वापस घर पे भागोगे। बेटा मैं अपना सारा सामान लेकर आया हूँ, तू बोलता है तो फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ देख सब रखा हुआ है। मेरी वो निधि वाली फाइल कहाँ गई, तू मैं अपने कमरे में ही भूल गया। देखा पापा, कहा था ना मैंने। अरे थैंक यू बेटा, चल तू जा अपना अच्छे से पढ़ाई कर। हाँ बाय पापा। बाय बेटा। हेलो, हाँ सुभाष जी, वो मैं एक्चुअली घर से निकल गया था पर मैं वो फाइल जिस पर हम काम कर रहे थे वो घर भूल गया, तो मैं बस जल्दी से लेकर पहुंच जाऊंगा। हाँ जी, नहीं मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। ये तो बड़ा मस्त है भाई। सागर, हमारे अलावा और भी कोई है यहाँ? पापा सुधर जाइए, चल जाके देखते हैं। नहीं तुम यही रखो, हम जाके देखते हैं। अच्छा बहन जी, आप मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन मैं हूँ, पकड़ लिया ना आपको भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक महिला के साथ बात करने की तमीज नहीं है आपको? 2 दिन आपसे मिली नहीं तो आपने आपने कुछ भी समझना शुरू कर दिया। वाह बहन जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, 2 दिन का बोल कर इतने दिन लटका दिया, और ऊपर से कहीं बाहर मिलती हो तो पहचानती भी नहीं, फोन करते तो उठाती नहीं। आज सुबह से 6 बार फोन कर चुका हूँ,
अब जल्दी से मेरे पैसे देकर मुझे चलता करो, वरना वरना क्या? वरना जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हटो, मुझे अंदर अंदर। भाई साहब सुनिए, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती, पर जबान देती हूँ आपको, 2 दिन में मैं खुद आपके दुकान पे आऊंगी और आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगी। और फर्ज करो मैंने आपकी पेमेंट नहीं की ना, तो गिनिए ना गिनी, वो आपके पैसे चुकता कर देगी। ठीक है, जय राम जी की। बहन जी, अब मैं आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। क्या बहन जी की रट लगा रखी है? बहन का मान तो रख नहीं रहे हैं आप। ठीक है, आप मेरा मान नहीं रख रहे ना, मैं भी आपका मान नहीं रखूंगी। चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए। देखिए बहन जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। भगवान जी, आपने ये क्या कर दिया, किस मुसीबत को यहाँ भेज दिया। प्लीज 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 इसको यहाँ से भगाओ। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। कुछ करो भगवान जी, प्लीज प्लीज, मैं आपकी सच्ची भक्तर हूँ ना, प्लीज इसको यहाँ से भगाओ। दरवाजा खोलिए। क्या करूँ क्या करूँ। चला गया क्या? थैंक यू भगवान जी, आपने अपने सच्ची भक्तन की सुन ली। जलेबी प्रसाद जी ना? सागर वहां चल के देखो, वहां को ये, जल्दी आओ। ये देख, पिएगा? देसी है देसी, तू बोल तो तेरे लिए भी देसी भी लाता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग जलेबी प्रसाद के साथ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को इतना छोटे से जानवर को तंग करते हो? कौन हो बे तुम है? और यहाँ क्या कर रहे हो? हम कोई भी हो लेकिन ये जलेबी प्रसाद हमारा है। देख बेटा, जलेबी मिलती है हलवाई की दुकान पे और प्रसाद मिलता है मंदिर में, तो जाकर वहीं पे ले ले और इस पिल्ले को भूल जाओ, क्योंकि अब ये हमारा हो गया है। चलो निकलो यहाँ से, अब चलो निकलो यहाँ से, चलो। पिल्ला चाहिए, ले 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 ले, पहले उचको तो सही, उचको और ले जाओ। अरे हाँ, पकड़ो पकड़ो, हमरे जलेबी प्रसाद को छोड़ दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी? अल्ले लल्ले बच्चे, मारेगा क्या करेगा? पापा को बुलाएगा। पिल्ला ची, ये ले। कहा ना, जो चीज हमारे पास आ गई ना हम उसे वापस नहीं करते। जी जा यहाँ से, जो करना है जाके कर ले। गंगा, और गंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गंगा को धक्का देने के? अगर मेरी गंगा को थोड़ी सी भी चोट लगी ना, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। उस्ताद, ये पिद्दी का शोरबा धमकी दे रहा है। क्यों बे, तुम्हें बहुत ताकत है, तू लड़ेगा हमसे? मारेगा? मार मार ना।
अबे 2 फुट का पहलवान, तू जुबान का ही पहलवान है हाँ? लड़ेगा? अरे लड़ना बोलना। ए लड़की, तू लड़ेगी क्या? हाँ? आना, तू भी आ, आ जा। देखो, तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पापा को। बाप की धमकी देता है। बाप की धमकी देता है हाँ? बाप की धमकी देता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मेरे सागर को। गंगा तो जाए यार से, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। गंगा जाए से, जा गंगा जा। लल्ला भैया। सागर। गंगा बिटिया। सागर। लल्ला भैया। घर पे सब लोग ढूंढ रहे हैं और इन दोनों का एक ही कहीं पता ही नहीं। हारा जी वहां देखते हैं। पुलकित भैया, गंगा लल्ला भैया यहाँ आएंगे, वो भी इतनी पुरानी इमारत में। हारा जी हाँ? भाग भाग, घाट पे होंगे वो लोग। हाँ आइए। अब कौन आ गया? पुलिस। बहन जी दरवाजा खोलिए। प्रभा जी दरवाजा खोलिए प्लीज। प्रभा जी दरवाजा खोलिए, मैं थाने का इंस्पेक्टर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ दरवाजा खोलिए प्लीज। सत्यानाश है राम जी भाई का, खुद तो आया पुलिस को भी साथ में ले आया, अब क्या करूं? क्या करूं? प्रिंस के पापा ये भी आ गए। अब तो मैं गई। हे अंबे, इस राक्षस को यहाँ से भगा दो प्लीज। प्रभा जी दरवाजा खोलिए वरना हमें तोड़ना पड़ेगा। बहन जी दरवाजा खोलिए। पुलिस मेरे घर पे? दरवाजा खोलिए प्रभा जी। क्या बात है भाई साहब, एक शरीफ आदमी के घर के बाहर आप इस तरह से दरवाजा ठोक रहे हैं? आपकी शराफत में देख चुका हूँ, अगर आप सच में शरीफ होते ना तो इस बात को आपकी शराफत का पोस्टमार्टम करने हमें यहाँ नहीं बुलाना पड़ता। सागर। सागर! ये तो गंगा बिटिया की आवाज है, लगता है किसी मुसीबत में, वहां से आई आवाज। छोड़ दो गंगा को, जाने दो उसे। आ सागर, छोड़ दो मेरे सागर को। सागर गंगा जा। ए लड़की पिला चाहिए आ, ले 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 ले। पाप की धमकी देता है। क्या कर रहे हो? वो आइंदा से मेरी सागर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे? अगर मेरे लल्ला भैया को सताओगे ना तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे समझे?
बहू समझते हो ना अपने आप को? एक दिन देख लेंगे। ए, चल भाग। चली भी बरसात, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सागर, लल्ला भैया, सागर, सागर, क्या हुआ सागर को? सागर, क्या हुआ तुम्हें सागर? सागर, लल्ला भैया, सागर कुछ क्या हुआ लल्ला भैया को? सागर, बताओ ना भूल के थे क्या हुआ सागर को? क्या हो गया लल्ला भैया को? सागर, सागर बताओ ना, क्या हुआ सागर को? बताओ, नहीं तो बताओ ना, भगवान। लल्ला भैया, रिक्शा।